हम पिछले दो तीन दिन से लेसन पढ़ रहे थे, दो दिन का व्यवधान आ गया था। सर्जना लेसन नंबर आपके है, बड़ा लंबा पड़ा लेसन हो गया ये अध्याय 12। इसमें हमने जो पाठ का जो आपका नाम था वो था मजदूरी और प्रेम, सरदार पूर्ण सिंह। आज लास्ट रहा इसका मजदूरी और फकीरी। देखिए थोड़ा समझ लीजिए, मजदूरी के बारे में, इस कंसेप्ट के बारे में आप पिछले कई दिनों से बेहतर ढंग से आप लोग जान गए। अब ये कि व्हाट इज द फकीरी, फकीरी क्या है? तन कबीरा मन फकीरा अक्सर सुना होगा तुमने, ठीक है ना। फकीरी का मतलब फकीरी शब्द बनाए फकीर से, किससे? फकीर से। फकीर का मतलब कि जिसके पास कुछ भी नहीं हो फिर भी अपने हाल में मस्त है। देखिए किसी के पास कुछ नहीं हो उसे फकीर कहते हैं, पर किसी के पास कुछ नहीं होना भी दो तरीके का होता है। एक तो वो जिसके पास बहुत कुछ है पर उसे इस चीज का कोई अभिमान नहीं, गर्व नहीं, और वही मानता है कि कुछ भी नहीं है, अपने हाल में फिर भी मस्त है। और दूसरा टाइप होता है जिसके पास कुछ वाकई नहीं होता है, तब फकीर होना उसकी मजबूरी होता है। दो प्रकार की फकीरी होती है, पर जिसके पास सब कुछ है वो मस्त बोला है, वो फकीरी समझ में आती है और उसका स्वागत भी है। पर कुछ लोगों के पास, जिनके पास कुछ नहीं होता है, वो क्यों नहीं होता है? इसके पीछे दो वजह है। या तो वो आलसी टट्टू है, कामचोर है, काम करना नहीं चाहता है, निठल्ला रहना चाहता है, इसलिए उसके पास कुछ है नहीं, अर्थात कि वो मजदूरी से दूर होता है इसलिए वो फकीर है। वो फकीरी किस काम की? देखिए फकीरी का मतलब ये होता है कि आपके पास सब कुछ है और उसे आप त्याग कर दो, निकल पड़ो, तो उस फकीरी का तो समझ में आता है। पर आप कहोगे कि आपके पास कुछ है ही नहीं, वैसे भिखमंगे और एक भिखारी घोषणा कर दे कि मैं अपना राजपाट सब छोड़ता हूँ, नालायक था ही क्या तो तूने छोड़ा है, तो उसके छोड़ने को समाज एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि पहले ही पता है कि इसके पास तो कुछ था भी नहीं। क्लियर? पहली चीज। अब यहाँ पर जो कवि कह रहा है वो देखिए, बहुत ही जो भी कहा है बड़ा प्यारा कहा है उसने, मजदूरी और फकीरी का महत्व थोड़ा नहीं है, मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। मजदूरी भी जरूरी है और फकीरी भी क्या है, बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, परम आवश्यक क्यों है? प्रश्न पूछेगा मजदूरी और फकीरी परम आवश्यक क्यों है, तो इस पद्यांश में उसका जवाब है, बिना मजदूरी किए फकीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। आप मजदूरी करो ही नहीं तो फकीरी, आपको लगता है कि फकीरी के भाव आपके मन में आ जाते हैं। क्यों? फकीरी का मतलब होता है कुछ है ही नहीं आपके पास, और जब मजदूरी आप कुछ करोगे नहीं तो आपके पास कुछ होगा भी नहीं, और जब मजदूरी कर नहीं रहे हो कुछ आपके पास होगा नहीं तो आपके मन में ये फकीरी वाला भाव आ ही जाता है। फकीरी भी अपने आसन से गिर जाती है, बुद्धिबासी पड़ जाती है, पर ये फकीरी किसी काम की नहीं। बिना काम किए आप फकीरी की तरफ प्रवृत्त हो रहे हो तो ये फकीरी किसी काम नहीं है, तब आपकी बुद्धि क्या हो जाएगी, बासी हो जाएगी। बासी चीजें अच्छी नहीं होती, कितने ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फकीरी में मग्न रहते हैं, परंतु इस तरह मग्न होना किस काम का। ऐसे कुछ लोग होते, देखिए हमारा सब बासी है। बासी का मतलब है क्या, बचा कुचा? बासी का मतलब होता क्या है, बचा कुचा? जो रोटी खा गए, खाई हुई रोटी को बासी नहीं कहोगे, जो बची कुची रहेगी वही बासी है। तो हमारे पास क्या है कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, आपको बताऊं कि सब कुछ बासी है, क्योंकि वो बचा खुचा है। बचा खुचा भी किसका है, दूसरों का बचा खुचा, समाज के द्वारा बचाया गया, पूर्वजों के द्वारा बचाया गया, महापुरुषों के द्वारा बचाया गया, वो सब का सब जो ज्ञान है वो बासी ज्ञान है, जिसे क्या कर रहे हैं वो हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं। पर बासी कोई भी चीज कभी भी अच्छी नहीं होती है। कवि कह रहा है कभी आगे कह रहा है, हवा चल रही है, जल बह रहा है, बादल बरस रहा है, पक्षी नहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, घास नहीं, पेड़ नहीं, पत्ते नहीं, मनुष्य की बुद्धि और फकीर ही बासी, अर्थात कि सब कुछ नहीं आए। हवाएं चल रही हैं, बादल बरस रहे हैं, पक्षी नहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, घास नहीं, पेड़ नहीं, इंसान की बुद्धि नहीं, तो फिर ये फकीरी बासी ही क्यों?
ये भी तो नहीं होनी चाहिए ना। ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख बनाता है। इसे समझिए कि आप कई लोग ऐसे होते हैं, आप में से काफी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं सुबह क्या होती है, क्योंकि कभी सुबह उठे ही नहीं। 10 बजे बड़ी मुश्किल से घर वाले उठाते तब जाके उठते हो, कई लोग ऐसे होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको नहीं उठाए तो 12 बजे तक भी नहीं उठते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास है, पर मैं कि एक्चुअल में वीडियो पे इस बात को बोल नहीं सकता हूँ, जिसके बारे में नाम लेके बोल दूं बेचारे की सगाई नहीं हो तो जिंदगी पर ठीकरा मेरे माथे फूटेगा। ऐसे लोग हैं। कहने का मतलब ये है, आप सुबह के बारे में ढेरों वर्णन करो, सुबह के बारे में आप चाहे जितना कुछ कह लो, आपको सुबह के बारे में एक लेख लिखने के लिए अगर आप कल्पना के बलबूते पर लेख लिख दें, पर बिस्तर पर पड़े पड़े किसी सुबह का वर्णन करना, ये शायद बिस्तर पे पड़े पड़े प्रभात का आलस्य सुख बनाता है। अर्थात कि हम आलसी हैं तो हम प्रभात का सुख नहीं मना सकते। क्यों नहीं मना सकते हैं? बिस्तर से उठकर जरा बाग की सैर करो। क्या कह रहा है? जरा बाग की सैर करो, फूल की सुगंध लो, ठंडी वायु में भ्रमण करो, वृक्षों के कोमल पल्लवों का नृत्य देखो तो पता चले कि प्रभात समय जागना बुद्धि और अंतकरण को तरोताजा करता है, बिस्तर पर पड़े रहना उन्हें बासी कर देता है। अब जो सुबह के टाइम में उठ जाओ सूर्योदय के पहले, कहीं थोड़ा घूमने निकल जाओ, मंद मंद समीर हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है, नदी नालों के किनारे पर जो हरी घास होती है उसके ऊपर जमी हुई ओस की बूंदों के ऊपर चलकर देखो, सामने से सूर्य सिंदूरी लालिमा बिखरते हुए उठ रहा है, अब तालाबों में इसमें कमल खिलना प्रारंभ हो जाते हैं, सुबह के समय अलग अलग प्रकार के पंछी चहचहाट के साथ उड़ जाते हैं, उनके राग को सुनो, खिलते हुए फूलों को देखो, लहलाते हुए वृक्षों को देखो, ये अपनी आंखों से देखोगे तब पता चलेगा दैट इज द गुड मॉर्निंग। ये वो समय जिसका उल्लेख हम सिर्फ क्या करते थे, या तो लिखते थे या जिसका वर्णन किताबों में पढ़ते थे, परंतु हम बिस्तर में बैठे बैठे भी हमने क्या कर दिया, उस सुबह को बासी कर दिया है। आगे देखिए, निकम में बैठे हुए चिंतन करते रहना अथवा बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा करना मानो सोते सोते खर्राटे मारना है। कुछ काम नहीं करो और कर्म का दावा करो, चिंतन का दावा करो, ये ठीक वैसे ही है जैसे कि सोते सोते क्या करो, खर्राटे लो। सोने का मतलब क्या है? मुर्दा। सोना मुर्दादगी की निशानी है। जब हम सोते तो हमें कुछ पता तो होता नहीं है, ठीक। हम यदि सोते सोते इन चीजों का यदि जिक्र करें तो उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक जीवन के अरण्य में पादरी मौलवी पंडित साधु सन्यासी हल कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी जी करेंगे तब तक कि उनका आलसी जाने का नहीं, तब तक कि उनका मन और उनकी बुद्धि अनंत काल बीत जाने तक मलिन मानसिक जुआ खेलती ही रहेगी। कभी क्या कह रहा है? कभी कह रहा है कि जो जितने पादरी हैं, जितने पुजारी हैं, जितने मौलवी हैं, ये जीवन रूपी अरण्य का मतलब जंगल, जीवन रूपी जंगल में जब पादरी मौलवी पंडित साधु सन्यासी ये लोग हल कुदाल खुरपी लेकर जब तक खेतों में काम करने के लिए नहीं उतरेंगे, दूसरों के ऊपर जीना छोड़कर अपनी मेहनत से करके जब तक नहीं कमाएंगे, तब तक इनकी सोच इनके विचार इनका चिंतन जो भी होगा वो क्या होगा, पूरी तरीके से बासी होगा। क्योंकि जो चीज अपने कर्म से निकल सकती है वो कभी भी मन की गहनतम आत्माओं से बाहर नहीं निकल सकती है। उनका चिंतन बासी, उनका ध्यान बासी, उनकी पुस्तकें बासी, उनका लेख बासी, उनका विश्वास बासी और उनका खुदा भी बासी हो गया है। ऐसे लोग, ये जो परजीवी लोग होते हैं, दूसरों पर पलने वाले जो लोग होते हैं, वो सब क्या है, उनका सोचने का नजरिया बासी है, उनका ध्यान लगाना बासी है, उनकी पुस्तकें बासी है, जो वो लिखते वो बासी है, उनका विश्वास जो बोलते वो बासी है, यहाँ तक कि उनका खुदा भी बासी है, उनका ईश्वर भी क्या है, बासी हो चुका है। और बासी चीजें कोई भी अच्छी नहीं होती है। इसमें संदेह नहीं कि साल के गुलाब के फूल भी वैसे जैसे पिछले साल के थे, परंतु इस साल वाले ताजा है, उनकी लाली नहीं है, उनकी सुगंध भी उन्हीं की अपनी है।
जीवन के नियम नहीं पलटते हुए सदा एक से रहते, परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताजा खुदा नजर आने लगता है। हाँ, तो जैसे देखिए, जो गुलाब के फूल आज खिले पिछले साल भी वैसे ही खिले थे, दोनों में कोई नवीनता नहीं है। तुम कहोगे कि ये तो पहले साल वाले खिले, बासी फूल है, ऐसे कैसे पहले भी थे, अब तो बासी हो गए। नहीं, खिलती हुई हर चीज नहीं होती है, वो कभी बासी नहीं होती है, क्योंकि वक्त और कुदरत दोनों कभी नहीं बदलते हैं। ये कुदरत वैसी की वैसी रहती है, क्योंकि पिछले साल जो गुलाब खिले थे जिसमें वो लाली थी, ठीक वैसी लाली इस साल खिले हुए गुलाबों में है। परंतु जो जीवन के नियम है वो कभी भी नहीं पलटते, वो हमेशा क्या रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। परंतु जो व्यक्ति मजदूरी करता है वो कभी बासी नहीं होता है, वो नित्य नए बदलते रहता है, क्योंकि उसे अपनी मजदूरी में बासी ईश्वर नजर नहीं आता है, उसे ताजा खुदा नजर आता है। रोज वो अपने अंदर ईश्वर के दर्शन वो करता है। गेरुए वस्त्रों की पूजा क्यों करते हो, गिरजे की घंटी क्यों सुनते हो, रविवार क्यों मनाते हो, पांच वक्त की नमाज क्यों पढ़ते हो, क्या करें, किसी की आड़ में कुछ करना पड़ेगा। पांच वक्त की नमाज क्यों पढ़ते हो, त्रिकाल संध्या क्यों करते हो। अब क्या कह रहा है, देखो सीधे सटीक व्यंग्य धर्म के ऊपर, ये गेरुए कपड़े क्यों पहनते हो। गेरुआ रंग आप पे अच्छा लगे पहने तो अलग बात है, पर अपने आप को साधु दिखाने के लिए गेरुए कपड़े पहनते हो तो फिर आप मूर्ख हो, फिर कोई औचित्य नहीं है। गिरजे की घंटी क्यों सुनते हो, क्यों गिरजे में जाते हो, रविवार क्यों मनाते हो, मतलब क्रिश्चियन लोग रविवार को चर्च में जाते हैं ना, दिन में पांच वक्त की नमाज क्यों पढ़ते हो, ये ढोंग तुम करते ही क्यों हो। मजदूर के अनाथ नयन, अनाथ आत्मा और अनाश्रित जीवन की बोली सीखो। क्या कह रहे हैं, जो मजदूर है, जो अनाथ है, उसकी उसकी बोली सीखो, उसकी भाषा समझो, फिर देखोगे कि तुम्हारा यही साधारण जीवन ईश्वर भजन हो जाएगा। यदि ऐसा हो जाएगा तो तुम्हारा ये जीवन ही है। फल चलाता हुआ मजदूर कभी पूजा करना पसंद नहीं करता है। जो वतन की माटी है, जो खेतों की माटी है, उसके लिए वही पूजनी है। वो ने उसने हल चला दिया तो उसको लगता है कि उसकी पूजा हो गई। मजदूरी तो मनुष्य की समष्टि रूप के अव्यष्टि रूप परिणाम है, आत्मा रूपी धातु के गड़े हुए सिक्के का नगदी बयाना है, जो मनुष्य की आत्माओं की खरीदने के वास्ते दिया जाता है। सच्ची मित्रता तो ही सेवा है, उससे मनुष्य के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है। देखिए, एक तो जो मजदूरी क्या कह रही है, आत्मा रूपी धातु के गड़े हुए सिक्के का नगदी बयाना है। धातु के सिक्के तो एक बयाना है, हम जैसे कोई किसी से चीज लेते हैं ना, कुछ देते हैं पहले स्टार्ट में, जिसे कहते हैं एडवांस देना, तो धातु के सिक्के तो वो सिर्फ बयाना मात्र है। परंतु आपने यदि उस मजदूर के प्रति प्रेम जताया तो असली कीमत तो वही है। दूसरी बात, जो सच्चा है, सच्ची मित्रता है, सच्ची मित्रता जहाँ दिल मिलते हैं और वहीं पर सच्चाई, वही व्यक्ति दूसरों के हृदय पे राज्य कर सकता है। जाति पाति रूप रंग और नाम धाम तथा बाप दादे का नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। रिश्तों की परिधि के पार जाके, ये मेरा बाप है इसलिए मैं इसे प्यार करता हूँ, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, मैं इनसे इसलिए प्यार करता हूँ, तो वो प्यार नहीं है। आप जब कोई सब रिश्ते नाते के ऊपर उठ के भी यदि किसी को चाह लो, उससे उतना ही प्यार कर लो जितना घर वालों से करते हो, तो इसका मतलब वो मानव धर्म है। जिस समाज में इस तरह के प्रेम धर्म का राज्य होता है, उसका हर कोई किसी को बिना उसका नाम पूछे ही पहचानता है, क्योंकि पूछने वाले को कुल और उसकी जात वाहनी होती जिससे जो उसकी जिससे कि वह मिलता है। देखिए, जहाँ प्रेम का साम्राज्य वहाँ जाति नहीं है, वहाँ रिश्ते नहीं है, नाम के पीछे ये सरनेम नहीं लगे होते हैं, तो शायद कभी किसी को पता ही नहीं चलता है कि कौन क्या है, सब एक हो जाते हैं। पानी के अंदर पानी मिलाया जाए तो जो दूसरी बार पानी मिलाया जाता है वो ये नहीं पूछता है उस पानी को कोई, तू किस कुएं का पानी है, किस नदी का पानी है, पर पानी मिलाओ मिल जाएगा, एकाकार हो जाएगा। हम भी वैसे ही होते हैं, पर मानव क्या है कि दो पैर का जानवर है, थोड़ा बुद्धि वाला निकल गया, और जैसे बुद्धि वाला निकल गया तो हम लोग भ्रष्ट हो गए और हम अपने जो कुदरती लिख से चलने वाले वहां से हम हट गए, क्योंकि वहां सब लोग एक ही माता पिता से पैदा हुए भाई बहने। अपनी भाई बहनों के माता पिता का नाम पूछता क्या पागलपन से कम समझा जा सकता है, यह सारा संसार एक कुटुंबवत है। देखिए, देखा जाए तो हम सभी एक ही व्यक्ति की औलाद है, कोई भी हो, किसी भी जाति का हो,
किसी भी देश का क्यों नहीं हो, एवरी पूरी दुनिया में कहीं पर भी हम एक पिता की सब संतान हैं, मतलब सब भाई बहन हैं। ये कंडीशन सही बात है, पर हमने रक्त वर्ण ये वर्ण बदलते बदलते आज इतनी जातियां उप जाते हैं, प्रजातियों में आ गए हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि देखा जाए तो पूरा संसार ही क्या है। हाँ, लंगड़े लूले अंधे बहरे उसी मौरसी घर की छत के नीचे रहते, जिसकी छत के नीचे बलवान निरोग और रूपवान कुटुंबी रहते हैं। मुड़ों और पशुओं का पालन पोषण बुद्धिमान सबल निरोग ही तो करेंगे। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के ही कंधों पर रहता आया है। कामना सहित होकर भी मजदूरी निष्काम होती है, क्योंकि मजदूरी का बदला ही नहीं। देखिए, चाहे अपाइज है, चाहे दो पैर वाला है, कई लोग पैर से अपाइज होते हैं, कई लोग बुद्धि से अपाइज होते हैं, कोई मानसिकता से अपाइज होते हैं, चाहे जो भी हो, अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग इस धरती के ऊपर रह रहे हैं। उनके बीच में एक ही चीज है जो कि सब व्यक्तियों को आपस में बांध सकती है, वो क्या, एक तो मजदूरी और उसके बीच आपस का प्रेम। पर प्रेम तभी हो सकता है जब एक दूसरे को हम समझ पाए। पृथ्वी अपने अक्ष पर दिन रात घूमती है, वह पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है। अब देखिए, पृथ्वी कुदरत निस्वार्थ काम करती है, हम सिर्फ मानव को छोड़कर बाकी सभी के काम निस्वार्थ होते हैं। पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है, परंतु उसका ये घूमना सूर्य के इर्द गिर्द घूमना तो है, और सूर्य के इर्द गिर्द घूमना सूर्यमंडल के साथ आकाश में सीधी लकीर पर चलना है, अंत में इसको गोल चक्कर खाना, सदा ही सीधा चलना है, इसमें स्वार्थ का अभाव है। पृथ्वी क्या करे, घूम रही है सूर्य के चारों ओर, पूरा सौरमंडल घूम रहा है इस मंदाकिनी आकाशगंगा में, सब अपना अपना काम कर एक सीधी लकीर में चल रहे, क्या उसमें उनका कोई स्वार्थ है? इस तरह मनुष्य की विविध कामनाएं उसके जीवन को मानो उसके स्वार्थ रूपी धुरे पर चक्कर देती है, परंतु उसका जीवन अपना तो है नहीं, वह तो किसी आध्यात्मिक सूर्यमंडल के साथ ही चाल है। अंततः ये चाल जीवन का परमार्थ रूप है। स्वार्थ का यहाँ भी अभाव है, जब स्वार्थ कोई वस्तु नहीं तब निष्काम और कामना पूर्ण कर्म करना दोनों ही एक बात है। इससे मजदूरी फकीरी का अन्योन्याश्रय संबंध है। देखिए, आप जब काम किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर करते हैं तो वो सिर्फ एक काम हो जाता है, पर आपके मन में आप कोई काम कर रहे हो पर वो निस्वार्थ काम है, मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं औरों की भलाई के लिए कर रहा हूँ, तब वह काम काम नहीं बनके एक प्रेम बन जाता है, निष्काम प्रेम हो जाता है। क्योंकि अपने स्वार्थ को एक तरफ रखकर किसी का काम करना वो तभी कर पाते हो जब आपके मन में उसके लिए किसकी भावना है, प्रेम की भावना होती है, जिसे कहते हैं निष्काम प्रेम। और भगवद गीता में भी इस निष्काम प्रेम का उल्लेख किया गया है। क्या कहा था कृष्ण ने कि तुम जो भी कर रहे हो, तुम कहाँ कर रहे हो, वो तो मैं हूँ, तुम मुझसे पैदा हुए, मुझमें ही आके समा जाओगे, जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, पाप तुम कर रहे हो तो उसका भागी मैं हूँ, पुण्य तुम कर रहे हो तो उसका भागी मैं हूँ, तुम तो निष्काम कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। जॉन ऑफ आग की फकीरी और भेड़े चराना, टॉलस्टॉय का त्याग और जूते गांठना, उमर खैयाम का प्रसन्नता पूर्वक तंबू सीते फिरना, खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई बुनना, ब्रह्म ज्ञानी कबीर रैदास का शूद्र होना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का मुख पशुओं को लाठी लेकर हाँकना, सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। अर्थात कि विश्व के सभी महापुरुषों के इतिहास को यदि उठा के देख लिया जाए तो मजदूरी जीवन की आध्यात्मिक यात्रा है। कैसे, जॉन ऑफ आर्क की फकीरी मस्त फकीर था, भेड़े चराता था, टॉलस्टॉय का अपना त्याग था, जूते बनाता था, उमर खैयाम तंबू सीता था जो प्रसिद्ध शायर है, फिर खलीफा उमर अपने रंग महलों में चटाइयां बनाता था, ब्रह्म ज्ञानी कबीर और रैदास जूते बनाता था, कबीर झूला था, सूत काटता था, काटते हुए ये उस निष्काम कर्म को प्राप्त हो गए। गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे, बचपन में भगवान श्री कृष्ण भी गायों को चराने जाते थे, हाथ में लाठी लेकर गुरु नानक भी चराने ले जाते थे। श्री कृष्ण का सच्ची फकीर का अनमोल आभूषण है, और यही चीज है। देखिए, ये कर कौन सकता है, हर कोई नहीं कर सकता है। अर्थात कि जिसने मान लिया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरा मुझ पे कोई बस्ती है, निष्काम मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये तमाम वो एग्जाम्पल है जिन्होंने निष्काम कर्म किए। और निष्काम करने वाला पहुंचता जरूर है और बिल्कुल अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तो ये पूरा लेसन जो तीन खंडों में अपना, ये पूरा लेसन क्या हो गया, खत्म हो गया। आप और कुछ करो नहीं करो, इस वीडियो को सिर्फ ईयरफोन में लगा के किताब एक तरफ रख के भी तुम सिर्फ आप सुनोगे
बोले आंख बंद करके आराम से लेटे हुए सुनो, थोड़ी देर में बोले अच्छी नींद भी आ जाएगी, और दूसरा है कि नींद आने के पहले जितना सुन लोगे तो वो आपके काम भी आ जाएगा। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।